बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सैयदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा, चूँकि फेसबुक मार्केटिंग कोर्स चल रहा है तो उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि आप फेसबुक में CTA बटन कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड CTA बटन टू फेसबुक पेज। CTA बटन क्या होता है? ये होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि कॉल टू एक्शन बटन, कि आप अपने जो यूज़र है, फेसबुक यूज़र, आपके फॉलोअर, आपका जो फेसबुक जिसने आपको लाइक किया हुआ है, उसको आप कहें एक्शन करने के लिए। वो डिफरेंट बटन्स होते हैं, जिस तरह आप, हम आपको मिसाल देते हैं कि आप जिस तरह यूट्यूब में आपकी कोई वीडियो देखते हैं तो आप उनको कहते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने सब्सक्राइबर को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, CTA कहना, CTA करना, यानी कि एक्शन करने के लिए उनको कॉल करना, उनको कहना। इसी तरह से अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आप हमारी वीडियो आखिर तक सुनिए, तो आखिर तक सुनना भी जो है यकीनन इससे फ़ायदा होगा कि वॉच टाइम मिलता है। तो इससे क्या होगा, ये कॉल टू एक्शन है, आपने उनको एक्शन करने के लिए कॉल कहना है। तो इसी तरह सोशल मीडिया भी, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया है, तो फेसबुक पे भी कॉल टू एक्शन के बटन, सबसे ज़्यादा बटन्स फेसबुक में होते हैं। इंस्टाग्राम में भी इतने नहीं हैं और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतने नहीं हैं कॉल टू एक्शन बटन, लेकिन फेसबुक में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए फेसबुक को एक एडिड एडवांटेज है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। वो बटन्स क्या हैं? देखिए, CTA बटन का मतलब होता है कि आप अपने यूज़र को एनकरेज करते हैं, उनको उनको ऑब्वियसली उनको कहते हैं कि आपके वो इस एक्शन को पूरा करें, यानी कि आप उनको कहते हैं जी हमारे पेज को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें, तो वो यकीनन ये कॉल टू एक्शन है, लोग उसको करते हैं। आप देख लेते हैं हम कि कॉल टू एक्शन के बटन्स क्या क्या हैं। बुक नो है, साइन अप है, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, इसके अलावा सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नो, सेंड ईमेल, बाय नो, और भी बहुत सारे। ये हम अभी आपको फेसबुक पेज पर जाकर दिखाते हैं और आपने ये बटन्स को कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने लगाना है ताकि आपके फेसबुक पेज को ज़्यादा रीच मिल सके और आपकी जो आपका मैसेज है, आपकी पोस्ट है, चाहे वीडियो है, चाहे इमेज है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम आपको फेसबुक पेज पर लेकर चलते हैं जहां हम आपको तफसील से समझाते हैं। ये हमारी प्रोफाइल ID है, इसको तो इसके नीचे आप देखिए कि इसके अंडर हमने कई पेजेस बनाए हुए हैं। ये हमारा स्कूल का है, इसके अलावा राकीज़ार का है, इसके अलावा ये हमारा पर्सनल पेज है मोहम्मद जावेद राकीज़ार का, और भी इस तरह के आप देखिए और भी पेजेस आपको नज़र आएंगे। तो हम इसमें से हम अपने राकीज़ार के पेज पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, अलग-अलग टैब में खोल लेते हैं और ये हमारा पेज आ चुका है। ये देखिए ये फेसबुक पेज है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, अभी आप ये देखिए इधर तक अभी हमारा जो पेज है, हमारी ID खुली हुई है, उसके अंडर हमने अभी इसको खोला है, ये पेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पेज को स्विच करना पड़ेगा, तो हम इसको स्विच करेंगे तो ये प्रॉपर हमारे राकीज़ार पेज पे चला जाएगा। इसको स्विच किया तो अब हमारा राकीज़ार का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब ये देखिए स्विच हो रहा है, स्विचिंग टू राकीज़ार। अब देखिए आपकी ये प्रोफाइल, आपको इधर प्रोफाइल पिक्चर में आपको राकीज़ार का लोगो नज़र आ रहा है। अब हमें देखिए इस पे, पहले अगर हम देखते उस पे हमें ऑप्शन नहीं थी मिलनी, तो अब ये देखिए कि इधर जाकर आपका 3 बटन की ऑप्शन होगी, तो आपने इसको जस्ट क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन को इसको क्लिक करेंगे और आपको ये बहुत सारी ऑप्शन इस पे दिखाएगा। तो आपने इनको, हम बारी बारी आगे लेक्चर्स में जाके आपको बताएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, ये है आपका एडिट एक्शन बटन, तो ये एक्शन CTA बटन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा। तो आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और ये अभी हमें एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा
हमने चूंकि अपना व्हाट्सएप इधर बटन पे लगाया हुआ है, तो वो कहता है इसको या तो आप डिलीट कर सकते हैं या आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए, अब ये एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है जिसमें वो आपको बहुत सारे बटन्स दिखा रहे हैं, तो हम इसको एक एक करके आपको समझाते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले वो कह रहे कि हेल्प सपोर्ट पीपल सपोर्ट यू, कि लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। देखिए, पहला है बटन बुक नो का। बुक नो से मुराद है, आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कनेक्ट शेड्यूलिंग टूल सो पीपल कैन बुक अपॉइंटमेंट्स। आपका कोई रिटेल का ब्रांड है, आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है, या आपकी कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी है, आप कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, दे रहे हैं आप, उसके अलावा कोई और आपकी कंसल्टेंसी है, तो लोग आपसे अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, तो आप इस बटन को अपनी फेसबुक पेज पे सेट कर लेंगे। इसको हम आपने ऐसे ओके करना है और नीचे से जाके ऑप्शन पे आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट में जाके आपको वो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट्स ऑन फेसबुक, फेसबुक पे करना है आपने, या आपने कोई और अपना पेज आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, आपकी वेबसाइट का पेज है या कोई और आपने इंस्टाग्राम का पेज है, तो वो कैसे आपने करना है, तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना ऑप्शन को, तो शेड्यूलिंग टूल इधर आपको टूल बता देगा। अब वो कहेगा एडिट सर्विसेज, एड एट लीस्ट वन सर्विस, तो इसके लिए हम इसको हम अपनी सर्विस अब बताना चाह रहे हैं। अब इधर से एड अ सर्विस, लेट पीपल नो व्हाट सर्विसेज यू ऑफर, इधर लोगों को बताएं कि आप उनको क्या सर्विसेज दे रहे हैं ताकि वो अपॉइंटमेंट बुक कर लें। लेट से आपका ब्राइडल का एक स्टोर है या आपका कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी है, तो आप ऐड अ सर्विस करेंगे, तो इधर आपको एक सर्विस अपनी ऐड करनी पड़ेगी, इधर तस्वीर लगानी पड़ेगी, सर्विस नेम देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, और अपनी इधर प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं, तो ये प्राइस है, स्टार्ट भी स्टार्टिंग ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और भी सारी ऑप्शन है, नो प्राइस फ्री भी आप रख सकते हैं, तो फिक्स प्राइस आप इधर रखते हैं और इधर प्राइस आप लिख लेते हैं। लेट से आप रुपीज़ कहते हैं 5000 रुपीज़, और इसके अलावा फिक्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप बता सकते हैं कि जी आपका 30 मिनट्स का आपका टाइम है, उसका हम 5000 चार्ज करेंगे, तो इधर से आप अपने घंटे वगैरह टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं। तो हम इसको चूँकि कैंसिल कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे, और वापस जाएंगे आपको दूसरी ऑप्शन पे दिखाएंगे, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। ये हम बैक जाएंगे, यकीनन ये आपकी अपॉइंटमेंट का कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन है साइन अप की, साइन अप में ऑप्शन है कि आपका लेट से कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है, तो आप ये साइन अप फॉर्म आपको ये होगा, लेट से हमारा हम कोर्सेज सेल करते हैं, तो हम अपना वेबसाइट पे इनको लेकर जाएंगे और वेबसाइट का इधर लिंक डालेंगे, वो आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने करना है, और उधर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और लोग अपनी उधर इंफॉर्मेशन जब ड्रॉप करेंगे उसके बाद हमें ये लीड मिल जाएगी और हम उनको दोबारा हमारी टीम उनसे रابطہ कर सकेगी। तो आपने इसको क्लिक करना है इसकी ऑप्शन को और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। ये देखिए, इधर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे और आप इसको सेव कर लेंगे, बहुत इजी है, और भी सारी ऑप्शंस इसी तरह। स्टार्ट ऑर्डर, आप ये देखिए, ये रेस्टोरेंट के बारे में बताया, कोई आपका रेस्टोरेंट है, ये देखिए उन्होंने स्पून्स और इस तरह चीज़ें बनाई हैं आपको बताने के लिए, तो आपने सिर्फ इसको क्लिक करना है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऑर्डर वगैरह के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो आप इसको, ये स्टार्ट ऑर्डर है कि लोगों को आप इधर इस तरह करके, ये आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से आप कर सकते हैं, इधर आप अपने लिंक दे सकते हैं वेबसाइट का, अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट का, तो ये उन्होंने हर के लिए ऑप्शन दी हुई है, हर डिफरेंट नीच के लिए, डिफरेंट जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट है इसमें, उस पर एयर टिकटिंग है, उसमें डॉक्टर की कंसल्टेंसी है, उसमें कोई कोर्सेज बेच रहा है उसके लिए है, इसके अलावा गेट टिकट्स, तो इधर से लोग कहाँ से टिकट खरीदें, आप इनको क्लिक करें, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिए, और ये देखिए इधर इवेंट कहाँ आप फेसबुक पे करना चाह रहे हैं या आप उसको अपनी वेबसाइट पे आप उसको लेकर जाना चाहिए, सेंड पीपल टू अ वेबसाइट यू चूज़, कि आप उनको अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपने वो टिकट उधर से परचेज़ कर सके। हो सकता है कि आपने किसी का मर्चेंट स्टोर है, उन्होंने उधर ही कार्ट सिस्टम रखा हुआ है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उधर से वो टिकट परचेज़ पैसे पे करेंगे, वो टिकट परचेज़ कर लेंगे, ये एयरलाइन की टिकट भी हो सकती है, तो इस तरह से करके आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे या जहाँ भी आपने उनको लैंड करवाना लेकर जाना है तो आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद दूसरी दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरे पार्ट को आप देखिए, गेट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, कि अब लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। ये तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, आप उनको वेबसाइट पर नहीं लेकर जाना चाह रहे, आप उनको कहते हैं कि डायरेक्ट वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। अब कॉन्टैक्ट के कई मीडियम हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपको सेंड मैसेज, यानी कि फेसबुक मैसेंजर पे, इसी फेसबुक पे मैसेंजर पे आपके साथ चैट करें, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करेंगे और ये आपको, ये देखिए आप राखीदार के पेज पे आप इसको लेकर जाएंगे, सेव कर लेंगे आप इसको, तो यानी कि वो आपको राखीदार के पेज पर ही वो लोग आपसे चैट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये कैसे होगा, ये आपका इधर ऊपर बटन बन जाएगा आपके फेसबुक पेज पर, ये सारे बटन बनेंगे। तो उसके बाद आप वो कह रहे हैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो आप क्या है कि आप अपना व्हाट्सएप इधर कनेक्ट इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आप इधर इसको नेक्स्ट करेंगे, तो इधर आपको देखिए तीसरा हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप भी इधर इसको व्हाट्सएप नंबर देंगे और ये इधर आपका कंट्री कोड, वो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान का सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो दे देगा, अदरवाइज आप अपने कंट्री का कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इधर से आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको सेंड कोड, यानी कि जब आप करेंगे तो एक बार आपको कोड वो भेजेगा और उसके बाद आपको ये देखिए जिस तरह उसने वेरीफाई कर दिया ग्रीन टिक, तो आपको भी वेरीफाई कर देगा और आपका बटन इधर फेसबुक पेज पर इस तरह बटन बन जाएगा, तो उसको क्लिक करके लोग डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे। अब नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा बटन है, कॉल नो। आप देखिए उससे भी फास्टेस्ट वे कि आप मैसेज के अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट लोग आपको कॉल करें, तो आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए और नीचे आप इसको नेक्स्ट में ऑप्शन करें और इधर देखिए इधर नंबर आपको देना पड़ेगा, पाकिस्तानी आप कर लेंगे, पाकिस्तानी कोड आपको इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपना नंबर देना पड़ेगा और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हम क्विकली आपको बताते हैं, आप देखते जाइए क्योंकि बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद फ़ोन के बाद ईमेल, ईमेल को आप क्लिक कीजिए और यकीनन वो आपको आपसे ईमेल आप इधर अपनी देंगे कि जिस पे आप चाह रहे हैं कि लोग आपको ईमेल करें, क्योंकि ये बटन आपका बन जाएगा इधर और फिर लोग जब क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आपको आ जाएगी। तो आप जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड है आप समझते हैं वो आपके लिए फीजेबल है, आप उसको चूज़ कीजिए। कॉन्टैक्ट अस, ओपन अ वेबसाइट और कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये क्या है कि आपकी वेबसाइट पर इधर एक बटन बन जाएगा और वो क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, उधर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी रखा हुआ है तो वो आपसे वो फिल करके तो आपसे रब्ता कर लेगा। आप नेक्स्ट करेंगे ऐड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म या ऐड वेबसाइट लिंक, तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं या इधर कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद अब तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट क्या है, कहते हैं कि आप पहली ऑप्शन ये थी कि आप उनको अपनी वेबसाइट पे या उस पर लैंड करवा रहे थे, अब ये थे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज कि आप कॉल कर सकते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट आपसे रब्ता हो सकता है फौरन। अब तीसरा पार्ट है कि आप उनको अपने ग्रुप में, कोई भी आपका ग्रुप है, आपका चैनल का प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आप उस पर या ऐप आपने बनाई हुई है, तो आप उसके साथ उनको कनेक्ट करवा सकते हैं एक अपने यूज़र को। सबसे पहले कि आप अपनी ओपन अ वेबसाइट, आप यकीनन ये देखिए ये जो निशान बना है इसका मतलब है कि आपको ये वाला जो निशान होता है इसका मतलब आपने कोई पॉलिसी बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट है तो हमने कोई रिफंड की पॉलिसी है, हम लोग चाहते हैं कि जी डिस्काउंट पॉलिसी, रेफरल पॉलिसी, इसी तरह आपका कोई भी कंपनी है, आपका कोई भी नीच है, तो आप उस हिसाब से आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है तो आप उसको इधर मेंशन कर सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए, आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट करना है और इधर देखिए ऐड अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे जो वो पॉलिसी बनी है कि आप चाहते हैं कि लोग उसको पढ़ें, ताकि आपकी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसको पढ़ें, कोई ब्राइडल है, कोई मोबाइल का आपका बिजनेस है, तो लोग ताकि बाद में कोई वो आपसे यकीनन आपको कंप्लेंट ना करें उस सिलसिले में, तो आपने जो पॉलिसी अपनी वेबसाइट पे रखी है उसका लिंक आप इधर देंगे तो आप उसको सेव कर लेंगे ताकि लोग उसको पढ़ सकें। उसके बाद आ जाता है वॉच नो, अभी कोई वीडियो आपने बनाई है, आप चाहते हैं कि लोगों को वीडियो तक लेकर जाएं, तो आप यूट्यूब चैनल है आपका या आपके कहीं भी वीडियो पड़ी है तो आप उसको नेक्स्ट करें, इवन फेसबुक पे पड़ी है तो आप उसको इधर उसका लिंक दे सकते हैं ताकि लोग उसको वीडियो को देखें, तो इस तरह आप वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद विजिट ग्रुप, आपने कोई फेसबुक पर ग्रुप बनाया हुआ है तो आप उसको ग्रुप का लिंक भी दे सकते हैं, तो ग्रुप पर भी ये देखिए जिस तरह ये सारे ग्रुप्स, इनमें से कोई जो आपके ग्रुप्स होंगे आप उन तक लोगों को
पहुंचा सकते हैं, कि रीच करवा सकते हैं कि इधर तक वो चल जाएं। उसके बाद आपने कोई गेम बनाई हुई है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट गेमिंग वेबसाइट है, तो इधर आप उसका वेबसाइट का लिंक देंगे और लोग ताकि उस पर क्लिक करके जो ये जब करेंगे तो ये बटन बन जाएगा। बटन पे जब जाएंगे आपकी वेबसाइट पे आएंगे और उसके बाद वो लोग लॉगिन करना चाहें, उनसे आप पैसे लेना चाहें, जो भी आपकी आगे है प्रोसीजर वो उसको फॉलो करेंगे लोग। उसके अलावा बाय नो, बाय नो क्या है, सिलेक्ट एन ऑनलाइन स्टोर फॉर पीपल टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। ये देखिए मर्चेंट स्टोर यानी कि ऑनलाइन स्टोर, ये आपका कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई बर्गर है, कोई ऑनलाइन टिकट है, कोई आपका क्लोथिंग का ब्रांड है, आप मोबाइल बेच रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करके और इधर से नेक्स्ट में जाएंगे। इधर आपको एक टूल जो भी आप चूज़ करना चाहें तो आप उधर से टूल चूज़ करके तो आप उसको ये बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, लिखा हुआ विच टूल डू यू वांट टू कनेक्ट योर बटन टू, आप किस टूल को अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो बाइनो का आपको समझ लग गया कि आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट एन ऑनलाइन स्टोर, अपना कोई ऑनलाइन स्टोर अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। उसके बाद आ जाता है रिज़र्व, रिज़र्व है ये रिजर्वेशन है कि आपको लोगों को आसानी से आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्लिक किया और नेक्स्ट किया, अब फिर ये वही टूल्स है आपको ये हेल्प करते हैं, आपको गाइड करेंगे उस सिलसिले में, आप उसको एक बार क्लिक करके चेक कीजिए कि क्या है, और ये सारे टूल्स आपको कोई भी आप टूल कनेक्ट कर सकते हैं और यकीनन वो आपको इस पे हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको ये सारे बटन समझ लग गए हैं तो आप इनको अप्लाई कीजिए, अपने इधर फेसबुक पे अपना बटन बनाएं, कोई भी जो आपकी नीच है आपकी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप इधर आपका इधर बटन आ जाएगा और उधर लोग क्लिक करके तो आपको यकीनन वो आपसे रابطہ कर सकते हैं। आखिर पर हम अनाउंसमेंट जो करते हैं वो हमारे कोर्सेज़ का होता है। राकीज़ार इंस्टीट्यूट डिजिटल कोर्सेज़ ऑफ़र करता है जिसमें ये सारे कोर्सेज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, GBOB है, फेसबुक के कोर्सेज़ है, मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग और एड्स के कोर्सेज़ है। अगर आप इनमें इनमें किसी में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ऑनलाइन और फिज़िकल ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं और जस्ट एक मैसेज कीजिए और हमारी टीम का पार्ट बन जाइए, हमारे बैच में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।